कोमल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर मीशो हॉल। आज के वीडियो में होने वाले हैं कुछ फेस्टिव कलेक्शन, वो भी रक्षाबंधन स्पेशल एंड अफोर्डेबल। कुर्ती कुर्ता शर्ट काफ़ी मिक्स काइंड ऑफ हॉल होने वाले हैं। टोटल 4 प्रोडक्ट्स होने वाले हैं एंड ये मुझे रिसेंटली रिसीव हुए हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी से आउट ऑफ स्टॉक हो जाए उससे पहले मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उसी वजह से सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स हैं आज के इस वीडियो में। सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड कोई भी प्रोडक्ट अगर इनकेस पसंद आती है एंड बाय करना चाहते हो तो लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली कुर्ती से एंड आज का वीडियो है रक्षाबंधन स्पेशल, तो उसी तरह का कुछ कलेक्शन होने वाला है। तो ये है हमारी फर्स्ट कुर्ती, इस तरह से मजेंटा पिंक कलर में और लहरिया प्रिंट यानी कि ये वाला कलेक्शन आपको मिल जाता है। कट वाला नेक आगे से आपको मिल जाता है एंड सिल्वर कलर की पूरी कंप्लीट मशीन एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। काफ़ी अच्छी है, नीट एंड क्लीन है, कुछ भी थ्रेड वेड निकला हुआ नहीं है एंड बहुत अच्छी तरह से की हुई हुई एम्ब्रॉयडरी है। नाउ इसमें 3/4 स्लीव आपको मिलती है एंड ये जो फैब्रिक मिलता है दैट इज़ जॉर्जेट का फैब्रिक आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाती है, अंदर की साइड पे आपको ना इस तरह से लाइनिंग मिल जाती है, तो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इनफैक्ट ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों साइड स्लिट्स हैं, ये स्ट्रेट कट कुर्ती है। सो अंदर की साइड पूरे में आपको लाइनिंग मिलती है। सो ये है हमारी फर्स्ट कुर्ती। एग्जैक्ट आप इनको किसी भी फेस्टिवल्स में, पूजा फंक्शंस में कैरी कर सकते हो एंड ये बहुत एलिगेंट, बहुत अच्छी लगती है। सो मैंने इसको मीडियम साइज में बाय किया है। इन सभी की प्राइस मैं यहाँ पे रख लूंगी तो आप चेकआउट कर लेना, लेकिन सारे ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगी। अंडर 600 है ये आज का वीडियो। और इस कुर्ती के नीचे ना आप एक अच्छा सा बेज कलर का प्लाजो और कोई भी बॉटम वेयर कैरी कर सकते हो एंड एक फेस्टिव लुक क्रिएट कर सकते हो। जॉर्जेट फैब्रिक होने की वजह से ये बिल्कुल भी चुभता नहीं है, बहुत स्मूथ है, काफी अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, तो आप चाहो तो इस फेस्टिव सीजन को ये ट्राई कर सकते हो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट कुर्ती, नेक्स्ट एक कुर्ती ड्रेस मैंने बाय की है एंड ये कुछ इस तरह से ना लाइलैक पर्पल कलर में आपको मिलता है। इस तरह से ये वाला कलर है, वाइट एंड पर्पल का पूरा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। कॉटन फैब्रिक की ये कुर्ती है, कुर्ती ड्रेस है ये, और इस तरह से ये वाला राउंड नेक मिलता है। आगे से आपको ना इस तरह से थ्रेड और फॉल्स मिरर की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, गोटा पट्टी मिलती है सिल्वर कलर की। और ये देखिए पीछे की साइड पे आपको ना यहाँ पे दूरिया मिल जाती है एंड पूरी कंप्लीट लेयर्ड ड्रेस मिलती है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। अंदर की साइड पे कोई लाइनिंग नहीं मिलती है, बट लाइनिंग की कोई नेसेसरी नहीं है, इतना मतलब मोटा वाला फैब्रिक है ये। और इसके साथ आपको 3/4 स्लीव मिलता है, स्लीव्स में आगे से आपको इस तरह से अलग वेरिएशन आपको मिल जाता है। इस तरह से ये वाली स्लीव आपको मिलती है जो कि ट्रायल में आप चेकआउट कर सकती हो। सो ये एक ना कंप्लीट एथनिक वाली लेयर्ड कुर्ती ड्रेस है जिनको आप कोई भी फंक्शंस में, बर्थडे पार्टीज में कहीं भी कैरी कर सकते हो, बहुत मस्त लगेगी। प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है एंड ट्रस्ट मी गाइस, आजकल ना मीशो पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे मिलते हैं, प्लस अफोर्डेबल भी होते हैं। सो आगे भी इस तरह की फेस्टिव सीरीज आने वाली है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस रक्षाबंधन इज जस्ट कॉर्नर अराउंड एंड अगर आप अपने सिस्टर को या फिर किसी भी लव वंस को कुछ भी गिफ्ट करना चाहते हो तो आज के वीडियो में मैं कुछ बेस्ट ऑप्शन आपके लिए लेकर आई हूँ। एक बैग का रिव्यू जो कि मुझे रिसीव हुई है ब्रांड कॉल ज़ूक से। सो इन द केस अगर आपको ज़ूक ब्रांड के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं, अ ज़ूक इज इंडियन ब्रांड, हैंड क्राफ्टेड, पीटा अप्रूवल एंड 100% वीगन ब्रांड, जिनके यहाँ पे आपको ना काफ़ी वेरियस कलेक्शन ऑफ बैग्स मिल जाएंगे। ना ही सिर्फ बैग बट उसके अलावा आपको ना मैन एंड वुमेन दोनों के लिए काफ़ी अलग अलग यूनिक कलेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं वेबसाइट का डेमो रख रही हूँ जिससे आपको ना एक बेसिक सा आइडिया रहे कि आपको कौन सा कलेक्शन उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, उनका जितना भी कलेक्शन है ना आई पर्सनली लव, बिकॉज उनके यहाँ पे जितना भी कलेक्शन है वो स्पेशली हमारी इंडियन कल्चर को इंस्पायर करता है एंड उनकी जितनी भी डिजाइन होती है ना वो पर्सनली हैंडक्राफ्टेड होती है। और उनके यहाँ पे आपको ना बैकपैक, ऑफिस बैग, स्लिंग बैग और उसके अलावा जूतीज, वॉलेट, काफी अच्छा अच्छा यूनिक कलेक्शन मिल जाएगा, तो उनकी वेबसाइट को जरूर से चेकआउट कीजिए। और उनकी वेबसाइट से अगर आप कुछ भी बाय करते हो तो मेरा यूनिक कूपन कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उनके चलते ना आपको एडिशनल ऑफ भी मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे मैं उनका लेटेस्ट बैग का जो कलेक्शन है बिजनेस, ऑफिस बिजनेस बैग का,
वो मैं रिव्यू करना चाहूंगी। तो ये मुझे रिसीव हुआ है और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी आप देख रहे हो लेदर, दैट इज अ वीगन लेदर। यहाँ पे जो आप देख रहे हो दैट इज जूट का फैब्रिक मिल जाता है और ये कम्प्लीटली हैंडक्राफ्टेड है और हमारे इंडियन कल्चर को इंस्पायर होकर होता है। सो यहाँ पे इस बैग में आपको इस तरह से शोल्डर स्ट्रैप्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको मेटल का कुछ इस तरह से मिल जाएगा और आगे आपको लोगो मिल जाएगा। नाउ ये इतना स्पेशियस है कि आपका सारा ऑफिस का सामान, लैपटॉप, सब कुछ इस एक बैग में कैरी हो जाएगा। लुक एट द स्पेस, इतनी बड़ी स्पेस आपको मिलती है। अंदर की साइड पे अलग से एक जिप कंपार्टमेंट मिलता है, बॉटल रखने के लिए अलग से एक कंपार्टमेंट मिलता है, छोटी मोटी डायरी रखने के लिए अलग से कंपार्टमेंट मिलता है, प्लस आपको अलग से यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट मिल जाता है। सो बहुत स्पेशियस है, प्लस बहुत स्टाइलिश है। बैक साइड पे भी आपको एक जिप कंपार्टमेंट मिलता है और ये ट्रैवल फ्रेंडली है। अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो तो अपने ट्रॉली बैग के साथ इसको हैंग आउट भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो काफी मल्टीपर्पज आप इस बैग को यूज कर सकते हो। एंड इस बैग की खास क्वालिटी ये है कि आप इनको कितना भी यूज कर लेंगे, इनका जो शेप होता है ना वो कभी बिगड़ता नहीं है। मैं पिछले 3-4 साल से इस ब्रांड की बैग्स को यूज कर रही हूँ एंड अभी तक मुझे कोई कंप्लेंट नहीं हुई है। और ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे इतना सपोर्ट होता है तो ये बैग नहीं उनका शेप बिगड़ता है। तो ये है वो बैग, मुझे पर्सनली ये काफी अच्छी लगी। तो ये उनका लेटेस्ट कलेक्शन है। तो अगर आप अपने लवर्स को गिफ्ट करना चाहते हो या फिर खुद के लिए खरीदना चाहते हो तो ज़ुग ब्रांड को जरूर से चेकआउट कीजिए। एंड कुछ भी बाय करते हो तो मेरा यूनिक कूपन कोड आप यूज कर सकते हो, उसके चलते एडिशनल ऑफर मिल जाएगा। सो फाइनली हम मूव करते हैं हमारे फर्दर वीडियो पर। नेक्स्ट मैंने ना एक रेड कलर का ड्रेस बाय किया है, 3 पीस ये ड्रेस है ये। सो इसमें आपको कुर्ती, नीचे बॉटम एंड दुपट्टा मिल जाता है। सबसे कुर्ते की मैं पहले बात करूँ ना, तो इस तरह से अंगरखा पैटर्न में उन्होंने कुर्ता दिया है। कुर्ता मुझे मैंने मीडियम साइज में बाय किया है बाय द वे, बट मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा है। सो एक बार आप साइज चार्ट जरूर से चेक कर लेना। रेयन फैब्रिक है इसका, सो बहुत स्मूथ है, बिल्कुल भी लाइक चुभने वाला फैब्रिक नहीं है। 3/4 स्लीव मिलती है एंड इस तरह की पूरी प्रिंट मिल जाती है। सो रेयन फैब्रिक है तो ये जितनी भी आप देख रहे हो ना वो फैब्रिक के अंदर ही आपको प्रिंट मिल जाती है। एंड यहाँ पे गोल्डन कलर की इस तरह से मशीन डिटेलिंग मिल जाती है। फ्रंट में भी आगे आपको इस तरह की डिटेलिंग मिल जाती है। नाउ अंगरखा स्टाइल है तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे दूरियाँ मिल जाती है इस तरह से। एंड वेस्ट लाइन से पूरा अनारकली जैसा फ्लेयर दे रखा है, बट इतना फुल फ्लेयर नहीं है, मीडियम फ्लेयर आपको मिलता है। एंड बॉटम में इस तरह से घुटापट्टी भी मिल जाती है। सो फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, फिटिंग थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा लाइक बॉडी पे इतना फिट नहीं आ रहा है मुझे, सो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। फैब्रिक क्वालिटी वाइज मुझे अच्छा लगा। नीचे बॉटम में आपको फुल इलास्टिक के साथ ये मीडियम काइंड ऑफ आपको पैंट मिल जाती है, सेम फैब्रिक में है। नाउ इसमें कॉटन का आपको दुपट्टा मिल जाता है और ये देखिए दुपट्टा मुझे थोड़ा सा शॉर्ट लेंथ लगा, लेंथ शॉर्ट लगी, और इस तरह की पूरी आपको दुपट्टे में मिल जाती है प्रिंट ओवरऑल। एंड कंप्लीट ट्रायल लुक आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो इनकेस अगर आपको पसंद आता है तो बाय कीजिए। एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट कुर्ती ड्रेस, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट। मुझे कुर्ती ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, सो प्लीज़ कमेंट करिए आपको अच्छी लगती है या नहीं। एंड ऐसे और भी कुर्ती ड्रेसेस देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए। ये जो कुर्ती ड्रेस पहनी है वो है अमेजोन से, रिसेंटली मैंने बाय की है, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे गया है, तो वो अगर मिस हुआ है तो जाके ज़रूर से देख लेना। एंड ये वाली जो ड्रेस है वो स्मॉल साइज में मैंने बाय की है। आगे से आपको इस तरह से ये नेक सेक्शन मिल जाता है, पूरा आपको ये वाली डिटेलिंग मिल जाती है गोल्डन कलर की एंड थ्रेड की घुटापट्टी की, और पूरा फ्लोअर प्रिंट में आपको कॉटन फैब्रिक में थोड़ा सा लाइक रेयन वाला मिक्स फैब्रिक है ये फैब्रिक मिलता है। 3/4 स्लीव मिलती है, यहाँ भी फॉल्स मिरर की पूरी डिटेलिंग मिल जाती है। एंड वेस्ट लाइन से इस तरह से लेयर्ड करके आपको ड्रेस मिलती है, बॉटम में घुटापट्टी की पूरी डिटेलिंग मिल जाती है एंड काफ़ी अच्छा फ्लेयर के साथ आपको ड्रेस मिल जाती है। वेस्ट लाइन पे आपको लटकन मिलते हैं, ये देखिए दोनों साइड बहुत अच्छे क्वालिटी के लटकन हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस तरह से। फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड इसकी प्राइस भी आपको यहाँ कहीं मिल जाएगी तो वो चेकआउट कर सकती हो। सो गाइस ये था आज का एथनिक कलेक्शन फ्रॉम मीशो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो आज के वीडियो में थोड़े से कम प्रोडक्ट थे क्योंकि जब मुझे डिलीवर हुआ तो मैंने इंस्टेंटली ये वीडियो बना दिया क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक ना चली जाए।
एंड आई होप नेक्स्ट में मैं काफ़ी अच्छी बहुत कलेक्शन आपके साथ शेयर कर पाऊँ. सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड यस, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना. कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सिंगल लिंक होगी, वहाँ से डायरेक्टली आप मीशो के थ्रू बाय कर सकते हो. एंड या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.